गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 25, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा विंड पावर के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, बात करेंगे कि विंड पावर क्या होती है, कैसे काम करती है और क्यों ये न्यूज में है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इसकी बिडिंग को लेकर आपको एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ। मंकी पॉक्स आउटब्रेक हो गया है, दिल्ली में भी कुछ केस आए हैं, तो मंकी पॉक्स के बारे में दोबारा से बात करेंगे। बेसिक चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ थोड़ा नया डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। 5G टेक्नोलॉजी की अभी बिडिंग होने वाली है इंडिया में बहुत ही जल्दी, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है 5G टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने में इंडिया जैसी कंट्री में, उसके बारे में बात करेंगे और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है थोड़ा उसके बारे में भी बात करेंगे। स्नो लेपर्ड के बारे में छोटी सी स्टडी हुई है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ है जापान के अंदर, WTO के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम यहाँ पे। और ये आर्टिकल मैंने जो उठाया है WTO वाला, एक्चुअली वो इसलिए उठाया है क्योंकि उसकी अभी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी 12th, और यहाँ पे कुछ इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या होता है, G33 क्या होता है, जो एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या होती है, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे और फॉरेक्स रिजर्व के बारे में बात करेंगे। और ये आर्टिकल लिया है इंडियन एक्सप्रेस से, क्योंकि एज द हिंदू आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे ना पेपर, बहुत अच्छे और बढ़िया आर्टिकल नहीं दिए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत काफी मुझे मेहनत लगा कि कौन कौन से आर्टिकल आपको मैं करवाऊं ताकि थोड़ा रेलेवेंस हो सके, तो घुमा फिरा के यही आर्टिकल बनते हैं। इसका मतलब ये है कि आज हमें सुबह सुबह बहुत ज्यादा दिमाग में लोड डालने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, थोड़े से टॉपिक हैं। तो चलते हैं एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या है द हिंदू पेपर में। तो भैया कोविंद जी तो ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं आज के दिन, तो हमारी जो नई प्रेसिडेंट हैं उनको जो ऑफिस में बैठने वाली है आज से, तो कोविंद जी जो है वो जाते जाते जो लास्ट भाषण होता है प्रेसिडेंट का, उसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत कुछ बोल के गए हैं कि आने वाली जो जनरेशन है इनको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और अपना पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में, मिटिगेट करने में उसके इम्पैक्ट वगैरह। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में इन्होंने खूब अच्छी अच्छी बातें कही हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो हमें पहले से नहीं पता था, क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी ऑफकोर्स। अच्छा यहाँ पे आपके लिए एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं, आप मुझे ये बताइए कि आजकल हम लोग ना क्लाइमेट चेंज का वर्ड का यूज बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं ना, लेकिन कुछ समय पहले ऐसा नहीं था, कुछ समय पहले ग्लोबल वार्मिंग जो वर्ड है इसका ज्यादा यूज किया जाता था। तो क्या दोनों में डिफरेंस है, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज में? अगर है डिफरेंस और आपको लगता है डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस नहीं है तो वो भी मुझे बताइए। तो ये कमेंट सेक्शन में बेसिकली आपका मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में पता है कि नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है दोनों के बीच में डिफरेंस या सिमिलैरिटी, कल उसके बारे में बात करेंगे, बट आज जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेसिस में बताइए कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक सेम टर्म होती है या डिफरेंट टर्म होती है, और क्यों हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्लाइमेट चेंज वर्ड का ज्यादा यूज करने लगे हैं, कल उसके बारे में हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं। और भैया दिल्ली में हाई अलर्ट हो गया है क्योंकि मंकी पॉक्स का दिल्ली में केस आया है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। सबसे ज्यादा जो केस यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो स्पेन में है, USA के अंदर भी काफी केस हैं, जर्मनी के अंदर भी, UK के अंदर भी 2000+ केस हैं, फ्रांस और नीदरलैंड, ब्राजील, इंडिया, और फाइनल इंडिया में जो है 4 केस आ गए हैं। दिल्ली में जो है कल एक केस आया है तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके अलावा जो है गोदावरी में बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून, गोदावरी रिवर का जो है वाटर लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा विंड पावर रेट्स के बारे में थोड़ा आगे से अलग से बात करेंगे। तो सर चलिए सबसे पहले विंड पावर के बारे में ही बात कर लेते हैं, लेकिन कल संडे का दिन था तो कल मैं छुट्टी पे था और कल हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी था, तो उस काम से मैं कहीं गया हुआ था और बहुत मिस किया आप लोगों को। तो आज से फिर शुरुआत करने वाले हैं, इसलिए जितने भी एस्पिरेंट हमारे हैं पहले वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए तो क्या है ये विंड पावर रेट्स के बारे में, देखिए यहाँ पे टर्म जो है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो थोड़ा आपको जानने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा है देखिए रिवर्स ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज को बेचना होता है या किसी चीज की अलॉटमेंट करनी होती है तो जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं वो उसके लिए ऑक्शन करती हैं। जैसे आपने IPL का ऑक्शन देखा होगा, है ना, इसमें प्लेयर्स की, अब यूजली क्या होता है ऑक्शन में, मैक्सिम ऑक्शन मतलब हिंदी में अगर बात करें बोली लगाना, तो उस चीज की आप ज्यादा से ज्यादा बोली लगाते हो, है ना, ऑक्शन करते हो कि मैं आपको इतने में खरीदूंगा, कि विराट कोहली का मैं इतने में। तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको उस चीज को खरीद लेता है, वो होती है नॉर्मल ऑक्शन। लेकिन एक होती है रिवर्स ऑक्शन,
ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए जो विंड पावर्स वगैरह होती हैं, जो विंड हमारे पैनल्स होते हैं या जो विंड एनर्जी को लेके आपने कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है, यहाँ पे हम नॉर्मल ऑक्शन की बजाय रिवर्स ऑक्शन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, अडानी है, अब ये लोग क्या करने वाले हैं, मान लो गुजरात के अंदर एक प्रोजेक्ट लगाना है 1000 acres में, एक लैंड है, और उसके लिए इन कंपनीज को बुलाया गया है ऑक्शन करने के लिए। अब ये मैक्सिमम ऑक्शन नहीं लगाते हैं, ये मिनिमम ऑक्शन लगाते हैं। मिनिमम ऑक्शन समझते हो, ये कहते हैं कि भैया इतना यूनिट प्रोड्यूस करने में हम लोग इतना पैसा खर्चा करेंगे, तो जो कंपनी सबसे कम पैसा खर्च करती है बिजली पैदा करने में, उसको जो है वो टेंडर दे दिया जाता है। मैक्सिमम वाले को नहीं दिया जाता, मिनिमम वाले को दिया जाता है। मतलब आप कितनी यूनिट पैदा करने में कितना कम खर्चा करते हो, उसके बेसिस पे दिया जाता है, और इसे ही कहा जाता है रिवर्स ऑक्शन। अभी तक इंडिया में जब हम लोग विंड या सोलर प्रोजेक्ट वगैरह की बात करते हैं, रिवर्स ऑक्शन किया जाता था। लेकिन रिवर्स ऑक्शन में नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है, अब ये क्या करते हैं टाटा बिरला अंबानी वाले, ये टेंडर को लेने के लिए सबसे कम लोवेस्ट बिडिंग करते हैं कि भैया मैं एक यूनिट पैदा करने में 5 rupees लगाऊंगा, वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो 4 rupees लूंगा, वो कहेगा मैं तो 3 rupees लूंगा, वो कहेगा मैं तो 2 rupees लूंगा, अडानी भाई साहब बोलेंगे मैं तो फ्री में ही कर दूंगा, मुझे टेंडर दे दो। अब इसमें दिक्कत ये होती है, एक बार ये कंपनी लोवेस्ट बिडिंग करा के प्रोजेक्ट ले तो लेती है, लेकिन उसके बाद उस प्रोजेक्ट को रन नहीं कर पाती, ऑपरेट नहीं कर पाती, क्योंकि इतनी लोवेस्ट कॉस्ट पे उसको ऑपरेट करना, बिल्ड करना इज इम्पॉसिबल, फिर बाद में उस प्रोजेक्ट को अबेंडन कर देती है। इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं, खासकर विंड और सोलर, इनके बंद होने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है, रिवर्स ऑक्शन। तो सरकार ने कहा कि भैया ये रिवर्स ऑक्शन वाला सिस्टम हम लोग खत्म करने वाले हैं, क्योंकि इससे काफी नुकसान होता है। तो ये तो पूरे इस आर्टिकल का जिस्ट था, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इसके बारे में। अभी इंडिया में जो ओवरऑल कैपेसिटी है विंड पावर की, वो है 40 GW, ठीक है, अभी 2021 का ये डेटा है, और इंडिया दुनिया का 4th highest जो है विंड इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया में। तो इंडिया की इतनी ज्यादा कोस्ट लाइन है, 7600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, और कोस्ट एरिया में तो हवाएं खूब सारी चलती हैं, है ना, आपको पता ही है लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, वो सब चलता है, तो काफी ज्यादा कैपेसिटी है हमारे पास, एंड वी कैन जनरेट 127 GW ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी। तो दो तरह की एनर्जी होती है हमारे पास, एक ऑनशोर होती है, एक ऑफशोर होती है ना। ऑनशोर मतलब जो कोस्ट की तरफ होती है, ऑनशोर मतलब जो कोस्ट से दूर होती है, उसको कहते हैं ऑफशोर। तो दोनों तरह की कैपेसिटी होती है हमारे पास, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये जितने हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं, है ना, इन सब के अंदर काफी कैपेसिटी है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी विंड पावर को लेके और सोलर को लेके काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चला रखे हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए, और नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी। 2015 में हम लोगों ने इस पॉलिसी को चलाया था, जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं वहां पे जो है ये विंड पैनल्स वगैरह को लगाया जाता है। तो थोड़ा सा ये आपको सेल्फ स्टडी के पहले के लिए मैंने कंटेंट डाल दिया है, ये कुछ फैक्चुअल सी चीजें जो मैंने आपको थोड़ा सा डाल दिया है, आप क्लियरली देख सकते हो। कुछ प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे नाम इन्होंने बताया हुआ है विंड वाले, तो जो है मुपांडल विंड फार्म जो है ये तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, और इंडिया का लार्जेस्ट ऑनशोर है ये, ठीक है। जैसलमेर के अंदर भी एक विंड पार्क है राजस्थान के अंदर, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑनशोर विंड फार्म है। उसके अलावा हमारे पास वेंकुस्वदे भी है विंड पार्क, जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मतलब महाराष्ट्र में, ठीक है। और कोयना जो रिजर्व है हमारा, ठीक है, कोयना रिवर के ऊपर जो बना हुआ है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि कोयना रिवर जो है वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये कुछ मैंने आपके सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट डाल दिया है, आप इसको जाके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आता है मंकी पॉक्स के बारे में, तो इसको हम लोग अपना थोड़ा यहीं से देख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेड सा टॉपिक है, मैंने ज्यादा कंटेंट इसके ऊपर कलेक्ट करने की कोशिश नहीं किया। मंकी पॉक्स के बारे में हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं मंकी पॉक्स वाले टॉपिक को। देखिये कल ना दिल्ली में केस आया, परसों, ठीक है, पहला केस दिल्ली में आया, और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, जिस आदमी को मंकी पॉक्स आया है उसकी कोई भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, है ना, क्योंकि अभी तक जितने भी केस आ रहे थे दुनिया में, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी फॉरेन, या तो वो फॉरेन में ट्रैवल किया था, या फिर ऐसे लोगों से संपर्क में थे जिन्होंने ट्रैवल किया था। बट दिल्ली वाला केस भैया बड़ा पेक्यूलर है, अब इंडिया वाले तो ऐसे ही काम करते हैं। तो एक तो केस केरला में आया था, जिस बंदे का केरला में केस आया था, दो केस आया था ना केरला में, उन दोनों लोगों ने ट्रैवल किया था सऊदी वगैरह में,
उनका तो चले मान लेते हैं, लेकिन दिल्ली वाले का, उसका तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उसकी फैमिली में कोई विदेश में नहीं गया, उसके दोस्तों में भी कोई विदेश नहीं गया, तो उसको कैसे हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे है। तो क्या मंकी पॉक्स जो है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये जूनोटिक डिसीज है। देखिए एग्जाम में सवाल सीधा से पूछ लेता है वो। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना एग्जाम में, हम डिफिकल्ट चीजों को पढ़ते रहते हैं और सिंपल चीजें हमारी आंखों के आगे से निकल जाती हैं, और एग्जाम में आपसे सिंपल चीजें पूछ लेता है, ऐसा बहुत बार होता है। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आपसे कोई मिनिस्ट्री पूछ लेता है कि कोई स्कीम होती है प्रॉपर, और ये पूछ लेता है कि बताओ भैया कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको ऑपरेट करती है, कौन सी इसकी नोडल एजेंसी है, तो हम उस स्कीम के सारे प्रोविजन पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन सवाल आ जाता है सिंपल और उसको हम लोग गलत कराते हैं। तो ये जो सिंपल सिंपल चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो मंकी पॉक्स है ये भी एक जूनोटिक डिसीज है। जू का मतलब क्या, जू में कौन होता है, एनिमल्स होते हैं ना, तो जूनोटिक डिसीज वो डिसीज होते हैं जो कि एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोविड, ये सब जूनोटिक डिसीज हैं, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली ये एनिमल से ही ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर होते हैं। अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि 16,000 केसेस मंकी पॉक्स के आ चुके हैं अराउंड 75 कंट्रीज में। इंडिया में अभी लेटेस्ट जो है वो डिटेक्ट हुआ है, और यूजली ये देखा गया है कि अब देखिए मंकी पॉक्स जो है वो बहुत फास्ट हवा में ट्रांसमिट नहीं करता है कोविड के जैसे। मंकी पॉक्स तभी आता है जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, ह्यूमन कॉन्टैक्ट होता है, और वो ह्यूमन कॉन्टैक्ट भी ऐसा नहीं कि आपने जो है ऐसे दूर से हाई हेलो कर दिया हो गया, नहीं नहीं, ह्यूमन कॉन्टैक्ट भी काफी क्लोज होना चाहिए, है ना, स्किन टू स्किन टच होना चाहिए, उस तरह का होता है। इसीलिए अभी तक मंकी पॉक्स जिन लोगों के अंदर किया गया है डिटेक्ट, या तो वो गे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, MSM यानी कि मैन हैविंग सेक्स विद मैन, मतलब जिनके अंदर जो है फिजिकल इंटरकोर्स काफी इंटीमेट हुआ है, उनके अंदर जो है ज्यादा देखा गया है ना। एक स्टडी ये कहती है कि 95% जो मंकी पॉक्स है ये जो है फिजिकल जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है, उनके बीच में ज्यादा होता है। तो ऐसे बैठ के एक दूसरे से बातचीत करना तो उसमें ज्यादा नहीं होता है। 1958 में सबसे पहली बार इसको डिटेक्ट किया गया था। तो डेनमार्क का एक इंस्टीट्यूट है, स्टेटन्स सीरम इंस्टीट्यूट, उसने इसको डिटेक्ट किया था। लेकिन ह्यूमन के अंदर जो सबसे पहला केस आया था वो 1970 में आया था, है ना, कोंगो के अंदर। अब इसका देखिए, ये बेचारे मंकीज को बदनाम कर दिया हम लोगों ने। मंकी पॉक्स का मतलब ये नहीं है कि वो मंकी से फैलता है। मंकी जो है इट्स जस्ट अ कैरियर, ठीक है। मंकी के अंदर भी वो कहीं और से आता है, तो हमें ये नहीं पता कहां से आता है, लेकिन मंकी इज जस्ट अ कैरियर, तो उसको इसीलिए इट्स अ मिसनोमर। मिसनोमर मतलब मंकी पॉक्स को पढ़ के ये मत समझना कि मंकी से आता है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बारे में इसीलिए बात करता है, और ये कहता है कि इसके जो सिम्टम्स वगैरह होते हैं वो बिल्कुल स्मॉल पॉक्स के जैसे ही होते हैं। इसके सिम्टम्स आपको फीवर आएगा, आपको हेडेक आएगा, मसल पेन होगा, है ना, थकान महसूस होगी, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं मुंह के अंदर, रैशेस पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर, वो सब जो है वैसे ही रहता है। यूजली क्या होता है, मंकी पॉक्स खुद ही ठीक हो जाता है, सेल्फ लिमिटिंग डिसीज होती है, तो अगर आप बेड रेस्ट करते हो, प्रॉपर खाना वाना खाते हो, तो खुद ही ठीक हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है ये कि बहुत डेडली वायरस है, ठीक है। हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कई बार थोड़ा ये डेडली हो सकता है, बट यूजली अपने आप ठीक हो जाता है। एंड हाउ दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड, आगे मैंने पहले ही बताया कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है, और इन बिटवीन ह्यूमंस भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। और तभी ट्रांसफर होता है जब ह्यूमन टू ह्यूमन काफी क्लोज, या ह्यूमन टू एनिमल काफी क्लोज कॉन्टैक्ट होता है। क्लोज कॉन्टैक्ट साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ब्लड फ्लूड या स्किन जो टच वगैरह होता है, इन्फेक्टेड एनिमल के साथ आप टचअप करते हो तो तब ये हो सकता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा नहीं होता। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज भी ऐसा माना जाता है कि ये फैलता है। एंड हाउ इज द करंट आउटब्रेक इज डिफरेंट, 1970 में सबसे पहली बार पकड़ा गया था, आपको पता ही है। उसके बाद 2003 में अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया था। अभी तक अफ्रीका की कंट्रीज के अंदर जो हेल्थ सुविधाएं हैं उनको अगर ध्यान में रखा जाए, दुनिया में नहीं फैला था। अभी फाइनली ऐसा हुआ है 2022 के अंदर, अफ्रीका से निकल के यूरोप के अंदर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया, है ना, एयर ट्रेवल वगैरह लोग बहुत ज्यादा करते हैं, और तो इसलिए आज के समय में क्या ना, दुनिया ज्यादा इंटरकनेक्टेड है 1970 के कंपैरिजन में। तो वायरसेस वगैरह के फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा ही कोविड के केस में भी हम लोगों ने देखा, मार्स के केस में देखा, सार्स के केस में देखा, और फ्यूचर में भी जो वायरस आएंगे वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो उसके बारे में थोड़ी बात करता है। बाकी इसीलिए जो है WHO ने इसको
एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दिया है बाय WHO, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि भैया इंटरनेशनली फैल चुका है ये डिसीज और सभी को मिलजुल के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लेने पड़ेंगे अगर आप इसको टैकल करना है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने और भी बोली कि अभी जो दुनिया का माहौल है वो किसी भी वायरस से लड़ने के लिए बेटर सूटेड है पहले के कंपैरिजन में। हम लोगों ने तैयारी अच्छी कर रखी है क्योंकि एक तो हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना, इन्फॉर्मेशन को लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर कोई आउटब्रेक होता है तो दवाइयां वगैरह बहुत जल्दी बना सकते हैं, COVID-19 का पेंडेमिक एक्सपीरियंस भी हमारे पास है, तो डरने की बेसिकली जरूरत नहीं है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। बाकी जो चीजें होंगी उसको थोड़ा हम लोग बाद में देख लेंगे। व्हाट आर द करंट प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, क्या हो सकता है? पहली बात इन्होंने ये कहा कि भैया इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है ना, खुद ही ठीक हो जाता है। अगर किसी को पहले मंकी पॉक्स हुआ हो तो क्या फ्यूचर में उसको मंकी पॉक्स होगा? अभी इसके हमें कोई गारंटी नहीं है, अभी इसके बारे में रिसर्च चल रही है। तो एक बार मंकी पॉक्स होने से क्या आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन मिलता है? वी डू नॉट नो, लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। उसके अलावा जब वैक्सीन की बात करते हैं तो जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होती है, ऐसा कहा जाता है कि जिस आदमी ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगवा रखी है तो 85% उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है मंकी पॉक्स से, ठीक है। बाकी इसके लिए कोई खास मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन वगैरह ऐसा है नहीं हमारे पास, ठीक है, जो है वो भी उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो लेट्स सी और लेट्स प्रे, लेट्स होप कि इतना ज्यादा स्प्रेड ना हो, ठीक है। मैं तो कल आ रहा था मेट्रो में, पता चला कि दिल्ली में केस आया है और वो भी बिना ट्रैवल हिस्ट्री के, तो भैया थोड़ा सा बच के रहिए आप लोग, है ना, अपना ध्यान रखिए। ये आर्टिकल की खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे लगा था पहले कि शायद अच्छा कुछ होगा इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी कर रखा है सब कुछ, बट पढ़ने के बाद मजा नहीं आया मुझे इसको, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको, ठीक है। आगे जो है वो 5G टेक्नोलॉजी के फाइबर, ये देखिए फाइबराइजेशन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में वो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फाइबराइजेशन बिकॉज इट इज रिसेंटली इन यूज, है ना। तो पहली बात तो ये जो 5G डिप्लॉयमेंट के रिगार्डिंग है, फाइबराइजेशन होता क्या है? देखिए साफ साफ लिखा हुआ पहले ही सेंटेंस के अंदर, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग रेडियो टावर्स विद ईच अदर वाया ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इज कॉल्ड फाइबराइजेशन। फाइबर मतलब ऑप्टिकल फाइबर, जो तारे होती हैं, वायर्स होती हैं, सबने देखा होगा वाईफाई वगैरह आपने लगवाया होगा तो वो एक ऑप्टिकल फाइबर की केबल आपके घर में आती है। तो जो हमारे रेडियो टावर्स होते हैं, इसलिए जो मतलब टावर, नॉर्मल टावर हमारे होते हैं फोन वाले, उनको आपस में कनेक्ट करना है ऑप्टिकल फाइबर केबल से, इसको कहते हैं फाइबराइजेशन, ठीक है। तो 5G अगर सर्विस आपको डिप्लॉय करनी है तो उसके लिए आपको इनको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 5G टेक्नोलॉजी तो केबल से ही चलती है और 5G टेक्नोलॉजी की के जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि जो टावर होते हैं वो बहुत क्लोज होने चाहिए, ठीक है। तो बिल्डिंग्स वगैरह के ऊपर जो है टावर, हम लोग छोटे छोटे टावर लगाएंगे तभी 5G टेक्नोलॉजी काम करती है। 5G टेक्नोलॉजी की रेंज बहुत कम होती है, तो ऐसा नहीं है कि एक टावर आपने लगा दिया कि आसपास का बढ़िया 10-15-20 किलोमीटर का एरिया कवर हो जाएगा, नहीं। 5G टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा रेंज नहीं होती है, कम रेंज होती है, ठीक है। तो इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा फाइबर केबल के साथ जोड़ने की जरूरत है, तो ये इन्होंने बेसिकली यहाँ पे कहा है। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि विद 5G इट विल ऑल्सो बी नेसेसरी टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द मोबाइल टावर, है ना, हमने बात किया डेंसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा टावर लगाने पड़ेंगे फॉर द बेटर कवरेज। 5G अभी जो हमारा कवरेज है करंटली इंडिया में, उससे कम से कम 16 टाइम्स ज्यादा आपको इंडिया में फाइबर नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। 16 टाइम्स बहुत ज्यादा होता है, मतलब आप मान के चलो अगले कम से कम 10-12-15 साल लग सकते हैं, बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी इंडिया में जो है करंटली ओनली 33% टावर्स आर फाइबराइज्ड, तो अभी देख लो आप, ठीक है, 67% टावर्स को फाइबराइज करना जरूरी है। और ये जो 33% ये कवरेज बोल रहे हैं ना, वो अर्बन एरियाज में है, तो मान के चलिए कि जब अर्बन एरिया में इतने साल लगे हमें फाइबराइज करने में, तो रूरल एरिया में तो भैया कितना ही समय लगेगा। जबकि दूसरी कंट्रीज के अंदर जैसे जापान वगैरह में ऑलरेडी 80-90% फाइबराइजेशन हो चुका है, तो वो कंट्री ऑलरेडी हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। आइडली ये क्या होता है, पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो हर आदमी के हिसाब से 1.3 किलोमीटर फाइबर होना चाहिए, इंडिया में पता कितना है 0.09% पर कैपिटा फाइबराइजेशन। तो सोच के देखो अभी हम लोगों ने कितना काम करना है। वहीं कोरिया, यूएसए, जापान वगैरह के अंदर ऑलरेडी 1.3 अचीव हो चुका है, अमेरिका में तो ये 1.3435 के आसपास है, ठीक है, मतलब उनकी 5G की जो पेनिट्रेशन है वो काफी ज्यादा ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी तो इंडिया को बहुत काम करना है और काम करने के लिए आपको चाहिए पैसा, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत पैसे की है,
2.2 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है 70% टावर्स को आपस में फाइबर से कनेक्ट करने के लिए। अगले 4 साल में हमें कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। 15 लाख टावर आपको नया लगाने की रिक्वायरमेंट है, 15 लाख टावर, मान रहे हो कितनी बड़ी बात है। ये तो हो गया सिर्फ 5G के लिए, लेकिन अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम चल रहे हैं जैसे भारत नेट या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, उसके अंदर भी यह फाइबर की डिमांड है। तो बात यह है कि फ्यूचर में फाइबराइजेशन इंडिया में डेफिनेटली बढ़ेगा, फाइबर नेटवर्क हमारा और ज्यादा डेंस होने वाला है। तो अगर आपके पास पैसा है तो मतलब ये मेरा पर्सनल सजेशन है, तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर वाली कंपनी है भैया इसमें इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि आने वाले 5-7 सालों में 10 सालों में यहाँ पे खूब सारा पैसा आप कमाओगे अगर किसी को इन्वेस्टमेंट का शौकीन हो तो, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे दिक्कत बहुत सारी है। एक हमारे पास यहाँ पे जो दिक्कत है 5G टेक्नोलॉजी को रोल आउट करने के लिए, वो है राइट ऑफ वे रूल्स। एक्चुअली 2016 में ही हम लोग इन रूल्स को लेके आए थे। राइट ऑफ वे रूल्स इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो जो केबल होती है वो जमीन के अंदर से जाती है, एक ऐसी होती है केबल जो जमीन के ऊपर से जाती है, है ना। तो जो ये जो केबल का नेटवर्क बिछाया जाता है अबव ग्राउंड, ठीक है, उसके लिए हम जो है रूल्स लेके आए थे। उसमें क्या होता है कि आपको कंपनसेट करना पड़ता है, ठीक है। तो जो ओवरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो आप टावर वगैरह से ऊपर से घरों के ऊपर से लेके जाते हो, तो उसके लिए आपको 10,000 का कंपनसेशन देना पड़ता है। और जो अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए 1,000 रुपए का कंपनसेशन देना पड़ता है। और ये सारी चीजें करती है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो सेंट्रल स्टेट के बीच में ये भी एक तरह का डिस्प्यूट है, ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं कि कौन कंपनसेशन करेगा, कितना करेगा, क्यों करेगा, क्या क्या दिक्कतें हैं, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स, खूब सारे प्रॉब्लम यहाँ पे हैं। तो इतना आसान नहीं है कि 5G टेक्नोलॉजी को इतना जल्दी डेवलप हम लोग कर देंगे। और एक समस्या ये है कि चलिए ठीक है, एक देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं बैक होल, एक छोटा सा वैसे कॉन्सेप्ट है। बैक होल में क्या होता है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो है जितने भी नेटवर्क हैं सभी को आपस में कनेक्ट करना है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज बेसिकली होती है, इसे बैकहोल कहा जाता है। अब देखिए टावर आप हर जगह तो नहीं लेके जा सकते, सीधी सी बात है ना, गांव में, माउंटेन्स में, आइलैंड्स पे नहीं लेके जा पाओगे आप। तो हम लोग क्या करेंगे, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से भी 5G पहुंचाने की कोशिश करेंगे विलेजेस में, माउंटेन्स वगैरह में। तो कुछ जगह पे तो टावर चले जाएंगे, कुछ जहां पे टावर नहीं जाएंगे वहां पे सैटेलाइट चले जाएंगे। इस तरह से पूरा बैकहोल हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट इसने यहां पे बताया है। तो यही था हमारा पूरा 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि 2020 में क्या हुआ था ना, मोदी जी ने जब इंडिपेंडेंस स्पीच दिया था तो उसमें मोदी जी ने ये कहा था कि अगले 1,000 दिनों के अंदर, मतलब 1,000 दिन समझ रहे हो, मतलब लगभग जो है 2.5-3 साल के लगभग हो गया, तो अगले 1,000 दिनों में हम लोग हमारी कंट्री के हर गांव में फाइबर केबल लेके आएंगे, ऐसा उन्होंने 2020 में कहा था। मतलब अभी जो है आप ये मान के चलिए 2023 के एंड तक इसको अचीव करना है, ठीक है। तो लेट्स सो कि कितना अचीव होता है नहीं होता है उसके बारे में। अभी तक जो टारगेट है जो मोदी जी ने रखा था उसका 1/3 ही हम लोग अचीव कर पाए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो कोविड आ गया भैया बीच में, तो ये बहाना भी हो गया और ये रीजन भी हो गया, दोनों ही चीजें हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास अब आता है, लेपर्ड को लेके बेसिकली एक स्टडी की गई है हिमाचल प्रदेश में। और देखिए लेपर्ड ना एक बहुत ही शाई टाइप का जो एनिमल होता है, ये बहुत जल्दी नजर नहीं आता है। आपको टाइगर नजर आ जाएगा अगर आप जंगल में जाओगे, आपको लायन भी नजर आ जाएगा, आपको ये नजर नहीं आएगा। ये छिपके रहता है, बहुत शाई होता है, कभी कभी बाहर निकलता है शिकार करने के लिए, और ये काफी हाइट पे भी होता है। तो 3200 से लेके 5200 की मीटर पे हाइट भी आपको मिलता है। और ये ऐसी जगहों पे मिलता है आपको जो बहुत रगिड होती हैं, मतलब जहां पे जाना बहुत इजी नहीं होता, आप एक्सेस नहीं कर सकते, और नॉन फॉरेस्टेड एरियाज में होता है, ठीक है। जंगल वंगल में नहीं होता भैया लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, नॉन फॉरेस्टेड और हाई, बहुत ज्यादा ऑल्टीट्यूड के ऊपर होता है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जो बैरन एरियाज होते हैं, बैरन ग्रासलैंड्स होती हैं, स्लोप बहुत स्टीप होता है, वहां पे आपको मिलता है। और जब इसकी प्रे की बात करते हैं, मतलब क्या खाना पसंद करता है, एक हमारे पास 2 स्पीसी होती है, एक होता है साइबेरियन आइबेक्स और एक होता है ब्लू शीप, ये इसकी फेवरेट डिश होती हैं। तो इनके बारे में ये स्टडी किया गया कि ये कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किसको शिकार करते हैं, इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि जो हिमाचल के अंदर जो स्पीति वाला एरिया है, स्पीति, लाहौल स्पीति है ना, वहां पे ये बेस्ट लोकेशन है स्नो लेपर्ड को फाइंड आउट करने के लिए। तो बहुत सारे कैमरे वैमरे वहां पे लगाए गए, तब जाके थोड़ा बहुत इसको फाइंड आउट किया गया। IUCN
कि जो रेड लिस्ट होती है उसमें इसको वल्नरेबल रखा गया, तो ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड नहीं है, ध्यान रखना है। लेकिन हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 72, उसके शेड्यूल वन में है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसको दिया गया है। ठीक है, बस ये थोड़ा आपको स्नो लेपर्ड के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जापान के अंदर क्या हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, और उसकी वजह से थोड़ा टेंशन जो है जापान के अंदर यहाँ पे अभी हो गया है। नाम क्या है इसका, इसका नाम है सकुरुजिमा वल्केनो, ठीक है, कहाँ पे हुआ, कोगाशिमा नाम की जगह है, तो ये थोड़ा आपका पता होना चाहिए। सकुरुजिमा ये भैया जापानीज नेम होता है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं हमें आइडिया नहीं है, बट या दिस इज द थिंग, थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे ये हुआ है। ठीक है, और काफी ज्यादा वल्केनिक ऐश वगैरह वहां से निकली है और कहीं दूर तक फैल गई है, बहुत ज्यादा इंटेंस तो नहीं है लेकिन यस दैट इज द थिंग। तो अगर हम लोग देखें तो ये है हमारी जापान ट्रेंच, ठीक है, ये हमारी क्यूरिल ट्रेंच है, ये हमारी इधर अलूशन ट्रेंच है, और ये भी खूब सारी ट्रेंच आपको देखने को मिलती है ना, यहाँ पे ट्रेंच है मरिया, ये हमारी जो है मरियाना ट्रेंच है, फिलीपींस ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, जावा ट्रेंच, दुनिया भर की ट्रेंच आपको देखने को मिलती है। तो ये जो पूरा पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यूपीएससी में प्रीलिम्स में और यूपीएससी मेंस में दोनों पे यहाँ पे सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, कि व्हाट आर द एसोसिएटेड फीचर्स रिलेटेड टू रिंग ऑफ फायर, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये जो पूरा रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है, दुनिया के 70% अर्थक्वेक यहाँ पे आते हैं, दुनिया का लगभग 80% जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वो यहाँ पे होता है, तो काफी ज्यादा हाईली सेंसिटिव ये पूरा एरिया है, इसलिए से कहते हैं रिंग ऑफ फायर बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स वोल्केनिक एक्टिविटीज। ठीक है, और ये यहाँ पे ट्रेंच का मतलब क्या होता है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने लगती है, सबसाइड करने लगती है, तो उसे हम लोग ट्रेंच कहते हैं। तो इधर हमारा पैसिफिक प्लेट है ना, यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इधर हमारा साउथ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ दिस इज आवर यूरेशियन प्लेट, इस तरफ इंडो यूरेशियन प्लेट है, तो कितनी सारी प्लेट है देखो यहाँ पे, और ये सारी प्लेट आपस में इंटरेक्ट करती रहती है, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाती रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ट्रेंच बनती है, और जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबसाइड करती है तो बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटी भी होती है, अर्थक्वेक भी आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन भी होते हैं, क्योंकि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है तो जब वो एस्थेनोस्फेयर में जाती है तो वहां पे मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने से मैग्मा क्रिएट होता है, फिर बाद में वो मैग्मा जो है ऊपर की तरफ आता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे खूब सारे वोल्केनिक इरप्शन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बस वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। थोड़े अभी अगर आपको आइडिया हो, लास्ट ईयर भी न्यूजीलैंड के पास एक जगह है, ठीक है, वहां पे एक इरप्शन हुआ था, काफी फेमस नाम था उसका, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, क्या था उसका नाम थोड़ा मुझे बताओगे, हिंट आपको दे देता हूँ, टी से शुरू था। ठीक है, काफी फेमस हुआ है और सवाल भी पूछा है उसका एग्जाम में, तो वो मुझे आप बताओगे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास था नहीं, अच्छा टॉपिक है ज्योग्राफी से, एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, अच्छे से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप थोड़ा उसको जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो टॉपिक आता है, एक्चुअली मुझे लगता है पहले हम लोग ये वाला टॉपिक कर लेते हैं फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, मेकिंग यूज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व आप समझते हो है ना, मतलब जो फॉरेन करेंसी गोल्ड वगैरह जो हमारे पास रिजर्व होता है। तो अगर हम लोग कंट्रीज को देखें तो दुनिया के टॉप सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व किन कंट्री के पास है, तो भैया देखिए जापान, सॉरी चाइना सबसे ज्यादा, मतलब 3.5 ट्रिलियन डॉलर, बिलियन नहीं भैया, ट्रिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व चाइना के पास है। सोच के देखो, जापान के पास भी जो है लगभग 1.5 ट्रिलियन के लगभग फॉरेक्स रिजर्व है, फिर तीसरे नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड, फिर आता है यूएसए, वैसे यूएसए वाला तो आपको करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यूएसए की तो खुद करेंसी होती है ना डॉलर, तो इसके से कोई फर्क नहीं पड़ता यूएसए वाले से। ये क्या हो रहा है, एक मिनट लेट मी सी दिस, हाँ यूएसए वाले से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि डॉलर इसी की करेंसी होता है। इंडिया जो है वो फोर्थ नंबर पे है फॉरेक्स रिजर्व के मामले में, देन वी हैव रशिया, हांगकांग, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ब्राजील और जर्मनी, ये थोड़ा आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, करंट अकाउंट बैलेंस, जो करंट अकाउंट बैलेंस की हम लोग बात करते हैं ना, हम लोगों ने 2 दिन से पहले भी बात किया था, इसमें विजिबल और इनविजिबल होता है, विजिबल और इनविजिबल। करंट अकाउंट मतलब ट्रेड की हम लोग बात करें, और ट्रेड दोनों तरीके से हो सकती है, ट्रेड गुड्स में भी हो सकती है, ट्रेड सर्विसेज में भी हो सकती है। जो जो ट्रेड गुड्स में होती है उसे विजिबल कहते हैं, जो सर्विसेज में होती है उसे इनविजिबल कहते हैं। तो अगर उसके हम लोग देखें, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बेसिकली बात कर रहा है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, तो देखो भैया चाइना का करंट अकाउंट जो है वो कितना सरप्लस है, डेफिसिट नहीं है। अभी तक आपने टर्म सुना होगा कैड,
करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि वो इंडिया के केस में डेफिसिट रहता है, लेकिन एक टर्म होती है कैश, करंट अकाउंट सरप्लस। तो चाइना का करंट अकाउंट सरप्लस होता है, मतलब एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। ऐसे जापान भी है, इंपोर्ट काफी कम करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, सेम फॉर स्विट्जरलैंड। अब आप इंडिया में, यूएसए का तो खैर क्या ही माने, यूएसए का तो $5 trillion का करंट अकाउंट डेफिसिट है, इंडिया $400 billion का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, ब्राजील का भी माइनस में है। इसके अलावा जितनी भी आप बाकी कंट्री देखोगे सबका पॉजिटिव में है। जर्मनी का देखिए $3 trillion करंट अकाउंट सरप्लस है जर्मनी का, मतलब जर्मनी जो भी बनाता है उसे एक्सपोर्ट करता है, इसलिए तो जर्मनी को कहते हैं इंजन ऑफ यूरोप, भैया करता धरता है यूरोप का। एक तो ये सारी चीजें हो गई। अब थोड़ा सा इधर भी नजर मार लेते हैं, ये टेबल क्या कहती है। तो 1991 से लेके और 2020 तक इसने बता रखा है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस वगैरह, वो सब कुछ बता रखा है। तो एक चीज पे नोटिस जो आपको सबसे ज्यादा मैं करवाना चाहता हूं ये है, आप इसको इंपोर्ट वाले को देखिए, तो हमारा इंपोर्ट जो है लगातार इंक्रीज हुआ है कि नहीं। अब एक्सपोर्ट भी नजर मार लीजिए, हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम 1991 टू 2020, बट दोनों का अगर आप देखो इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है कि नहीं। हर साल एवरी ईयर एवरी डेकेड इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम, क्लियरली देख सकते हो ना। इसी की वजह से तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है ना। ये देखिए -34 -338 -208 बिलियन डॉलर है, ये मिलियन विलियन नहीं है, बिलियन डॉलर है। तो ये थोड़ा आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है। तो और अगर हम अपने रिजर्व की बात करें, फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, इंडिया में डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है भैया। 1991 में तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कतई बहुत ही कम हो गया था, 6-7 billion dollar रह गया था। फिर जब हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया तो थोड़ा इंक्रीज होना शुरू हुआ, लगातार बढ़ा है। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं यहां पे, ठीक है। अभी इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $600 billion के लगभग है। इंडिया का 50% फॉरेक्स रिजर्व पिछले 8 सालों में बढ़ा है जब से मोदी जी आए हैं। इनके आने से पहले मतलब 2014-15 के आसपास अगर मान के चलें तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 300-350 billion dollar हुआ करता था, जो कि इस बार 650 billion dollar पार कर चुका था। अभी थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि वो आउटफ्लो हो रहा है कैपिटल इंडिया से, 550 billion dollar के लगभग अभी हमारा हो गया, 570 billion dollar है ना। पिछले 10 महीनों में $70 billion तो इंडिया से बाहर ही चला गया। अगर तो इसको भी अगर आप ऐड कर लो तो मान के चलो $650 billion हमारा लगभग बनता है। तो वो जो है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है लगभग घुमा फिरा के पूरे आर्टिकल के अंदर वही चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। विजिबल इनविजिबल आउटलायर्स, आउटलायर मतलब इंडिया जो है इन पूरी कंट्री में आउटलायर है, मतलब सबसे हटके है। क्यों हटके है? क्योंकि हमारा रिजर्व तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है। बाकी दूसरी कंट्री में ऐसा नहीं है, उनका करंट अकाउंट डेफिसिट है ही नहीं, लेकिन इंडिया बड़ा यूनिक कंट्री है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है और भैया हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ रहा है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है इन्होंने इस पूरे आर्टिकल के अंदर बताया, ठीक है। वेयर रिजर्व आर हेडेड, ठीक है, रिजर्व कहाँ जा रहे हैं। यूजली हमारा जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है उसके बारे में काफी तारीफ किया है, हमारा जो सर्विस सेक्टर है, हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसकी वजह से हमेशा यहाँ पे सरप्लस रहता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और जो रेमिटेंसीज वगैरह आते हैं इंडिया में वो भी काफी सारे आते हैं, $80 billion के लगभग जो है रेमिटेंस आते हैं, तो उसकी वजह से भी इंडिया को काफी बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बेसिकली मेंशन किया हुआ है। 90% तो पूरा फैक्ट्स और डेटा ही है तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, ठीक है। तो यही था उसके बारे में थोड़ा सा। आज का जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आता है वो आता है ये वाला, MC12 ओवर इट्स गेन्स फॉर द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे यूज की गई हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, हल्का फुल्का आपको आइडिया दे देता हूँ ये क्या कहता है। देखिए एमसी का मतलब होता है कि जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है। तो WTO के अंदर क्या होता है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जिसमें हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे जाते हैं और वो अपनी अपनी कंट्री के कंसर्न के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कंट्रीज की, तो नेगोशिएट करते हैं बेसिकली, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में नेगोशिएशन होता है, अपने अपने कंसर्न होते हैं। हमारा क्या कंसर्न था, इंडिया ने एक्चुअली वहां पे दो कंसर्न थे WTO के अंदर। पहला कंसर्न था कोविड को लेके, तो कोविड में जो ट्रिप्स की हम लोग बात करते हैं है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हम लोग जब बात करते हैं, तो यहां पे इंडिया ने और अफ्रीका ने
साउथ अफ्रीका ने जो है इन जो डेवलप्ड कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, इनसे डिमांड किया था कि आप हमें जो है कोविड 19 बनाने की जो वैक्सीन का फॉर्मूला है वो दे दीजिए, जिसे हम लोग वेवर कहते हैं। क्योंकि इस समय आप एक चीज देखोगे कि दुनिया में जितनी भी कोविड 19 वैक्सीन बनाई जाती हैं, उनको बनाने की टेक्नोलॉजी किसके पास है? यूरोपियन कंपनीज के पास है, है ना? इंडियन कंपनी के पास तो नहीं है। हम लोग बना रहे हैं उसको, लेकिन उसके साथ अग्रीमेंट करके। तो ये हम लोग वेवर मांग रहे थे, है ना, कि प्लीज आप हमें वेवर दे दीजिए इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन, इन टर्म्स ऑफ जो है थेरेप्यूटिक, इन टर्म्स ऑफ डायग्नोस्टिक। उन्होंने कहा कि हम आपको वेवर नहीं देंगे। भाई अगर आपको हम लोगों ने वेवर दिया तो हम क्या बचाएंगे? पैसा तो हम लोग इसी से कमाते हैं ना। तो इसलिए यूके, यूएसए, यूके, यूएसए, जर्मनी, जापान, कनाडा, ठीक है, और एक आध कंट्री और यहाँ पे मान के चलो, ये कंट्री जो है वेवर के बिल्कुल अगेंस्ट में थे कि हम आपको वेवर नहीं देंगे। हालांकि अभी थोड़े समय पहले यूएसए ने मान लिया था, जब बाइडेन भाई साहब आए थे उन्होंने कहा था कोई बात नहीं हम आपको वेवर दे देंगे, लेकिन सिर्फ वैक्सीन के मामले में, डायग्नोस्टिक के मामले में नहीं। बट जब WTO की मीटिंग करने की बात आई तो भैया इसके ऊपर कोई बातचीत ही नहीं हुई, ठीक है। अगर बातचीत हुई भी तो वो इंडिया के फेवर में हुई नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज ने वेवर नहीं दिया है। और अभी वैसे भी कोविड इतना ज्यादा अभी उतनी हालत खराब नहीं है जितनी पिछले साल थी, तो इसकी वजह से भी जो है ये थोड़ा सा मामला अभी इतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना पहले था। तो एक तो इंडिया को यहाँ पे जो है मतलब लॉस हुआ है इसमें, इंडिया का बेसिकली इग्नोर कर दिया गया है। दूसरी चीज जो इंडिया ने डिमांड की थी इस पूरे मामले में वो थी एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर इन द सेंस जब हम लोग बार के इसे कहते हैं स्टॉक होल्डिंग, ठीक है, देखिए टर्म यहाँ पे यूज की गई है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। इस मामले में हमेशा से डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में रस्सा कस्सी का खेल चलता रहता है। डेवलपिंग कंट्री में ग्रुप होता है जिसे कहते हैं G33, इसके अंदर इंडिया जो है इसको लीड करता है एक तरह से, इंडिया, चाइना, ब्राजील वगैरह कंट्रीज के अंदर होती हैं जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्रीज होती हैं। अब ये पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का मतलब क्या होता है? पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का मतलब होता है प्रोक्योरमेंट, है ना। तो हम लोग वीट, राइस वगैरह को प्रोक्योर करते हैं, और प्रोक्योर किस पे करते हैं? MSP पे करते हैं, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये मान के चलिए, मान लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 1500 रुपए पर क्विंटल, लेकिन मार्केट का जो प्राइस है वो है 1200 रुपए पर क्विंटल। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार मार्केट रेट से ज्यादा पैसे दे के किसानों को फसल को प्रोक्योर कर रही है। अब हमें तो सुनने में अच्छा लगता है कि भैया सरकार क्यों करती है, ताकि फूड सिक्योरिटी बनी रहे, किसानों को प्रोटेक्शन मिले, लेकिन ये रूल जो है वो WTO के अगेंस्ट में होता है। WTO इस चीज को अलाउ नहीं करता, मतलब सरकार मार्केट रेट से ज्यादा पैसा आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डिस्टोर्टिंग होता है। इसे कहते हैं एक्सट्रीम लेवल ऑफ सब्सिडी। तो WTO के अंदर एग्रीकल्चर मामले में आपको सब्सिडी अलाउड तो है, लेकिन विद इन लिमिट, मतलब ग्रीन सब्सिडी आपको अलाउड है, लेकिन वो सब्सिडी अगर 10% से ज्यादा हो जाती है तो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज इलीगल प्रैक्टिस। इसे कहते हैं एम्बर बॉक्स, ठीक है। तो WTO के अंदर एग्रीकल्चर सब्सिडी का जो हमारे पास ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स होता है, एम्बर बॉक्स के अंदर सब्सिडी अलाउड नहीं है। जो इंडिया जो करता है प्रोक्योरमेंट, MSP जो देता है, वो एक्चुअली एम्बर बॉक्स के अंदर आता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री का अपना आर्गुमेंट है कि भैया हमारे यहाँ पे पुअर जनता है, किसान हमारे यहाँ पे गरीब हैं, पॉवर्टी हमारे यहाँ पे है, हंगर हमारे यहाँ पे है, तो हम लोग इसको अभी के लिए नहीं करेंगे। तो डेवलप्ड कंट्री ने बेसिकली डेवलपिंग कंट्री को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि चलिए कोई बात नहीं, जब तक फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकलता है। वो तो एक चीज हो गई। दूसरी बात फिशरी, फिशरी वाले मामले में भी जो सब्सिडी दी जाती है इंडिया के द्वारा अपने फिशरमैन को, अभी उसको सिर्फ 2 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया है मोटे मोटे तौर पे। उसके बाद जो है उन्होंने साफ साफ बोल दिया इंडिया को कि आप अपना देख लीजिए, सब्सिडी इतनी ज्यादा अलाउड हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप सब्सिडी दोगे तो भैया आपका प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो ये भी इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर थोड़ा सा डिस्टोर्टिंग होता है। तो थोड़ा सा आपको जो है अगर पढ़ना है, आप WTO के बारे में पढ़ सकते हो, WTO की शुरुआत कैसे हुई। तो हमेशा ही WTO तो था नहीं, पहले इसको GATT कहा जाता था, GATT, ठीक है। फिर 1994 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां से जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और फिर फाइनली चलते 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 1995 में WTO का एस्टेब्लिश कर दिया गया। GATT का नाम हम लोगों ने चेंज कर दिया, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मरकश अग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद से उसको WTO कहा जाता है।
WTO का मेन पर्पस क्या होता है कि इसके अंदर जो भी मेंबर कंट्रीज होती हैं उनके बीच में बैरियर को मिनिमाइज करना है, है ना, ये बेसिकली इसका मेन मतलब होता है। अब यहां से आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप किसी में देखिए हर कंट्री WTO का पार्ट नहीं है, ठीक है, आप मुझे एक ऐसी मेजर कंट्री का नाम बताओगे विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ WTO, मेजर कंट्री, छोटी मोटी का नहीं, मेजर कंट्री, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बताना है। ये जो पूरा मैंने इशू के बारे में बात किया है वो आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, G33 कंट्री का जो कंसर्न है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेके, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स वगैरह, हल्का फुल्का यहाँ पे मैंने आपसे जो बताया है वही मैंने यहाँ पे बात किया है, ठीक है, थोड़ा इसको आप पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए, ब्राउनी पॉइंट्स के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा, और टॉपिक आज थोड़े कम थे, इतने ज्यादा मजेदार टॉपिक थे नहीं, कोशिश किया मैंने आपको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने का, और आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा, ठीक ठाक लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।